जय भीम। आवाज नहीं आ रही है, नेता लोग बोलते हैं तो आप लोग जोर से बोलते हैं, टीचर बोलता है तो कम बोलते हैं। जय भीम, जय जवाहर। आवाज कम आई। जय संविधान और जय इंदिरा। इंदिरा जी पे कम चर्चा होती है आजकल। सुप्रीम कोर्ट से कभी अभी आया है बेंच से निर्णय, उस पर चर्चा कम हुई कि पब्लिक इंटरेस्ट में प्राइवेट प्रॉपर्टी अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। और ये सीधा और सीधा जो जवाहरलाल नेहरू, जो डॉक्टर अंबेडकर और इंदिरा गांधी का विजन था उस पर सीधा हमला था, लेकिन इस पर चर्चा कम हुई। इंदिरा गांधी ने बैंक का नेशनलाइजेशन किया, प्रिवी पर्स खत्म किया, जमींदारी उन्मूलन खत्म किया, अपने लिए थोड़ी किया था। इस देश के जो आवाम, जो गरीब लोग थे उसके पक्ष में किया था। लेकिन आप लोग के बीच जितनी चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हम लोग अपने मन से जहां बोलना होता है इस बात को हम जरूर बोलते हैं कि इंदिरा गांधी का जो पूरा आइडिया था सोशलिस्ट स्टेट का, उसको खत्म किया जा रहा है और इस पे हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे। सवाल ये है, और खास तौर से मैं दलित समुदाय को एड्रेस करता हूं कि जमींदारी उन्मूलन हुआ था, किसी दलित के पास जमींदारी नहीं थी, उसका लाभ दलितों को मिला। कितना इंप्लीमेंट हुआ नहीं हुआ आप लोग भी जानो और अपने अपने सरकारों से पूछो। बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, भारत की पूरी आवाम को फायदा हुआ, उसमें से दलितों को भी फायदा हुआ। प्रीवी पर्स खत्म हुआ तो दलितों के पास कोई राजे रजवाड़े नहीं थे, ये तो समझना पड़ेगा। हमारे बड़े भाई अनिल जी बैठे हुए हैं, लगातार ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं। मैं अभी साहित्य आज तक का प्रोग्राम था, उसमें लंबा अभी लंबी चर्चा हुई। भाई संविधान को किससे खतरा है? क्या बांग्लादेश से खतरा है, नेपाल से खतरा है, चाइना से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है? नहीं, संविधान को सीधा और सीधा खतरा है तो आरएसएस और संघ परिवार से खतरा है। ये आप आर पार लड़ाई लड़िए। जब संविधान सभा बहस चल रही थी, संविधान सभा के अंदर विरोध नहीं हुआ, संविधान लागू होने के दो दिन बाद कल्याण प्रेस ने अंबेडकर के खिलाफ, संविधान के खिलाफ खूब छापा। आरएसएस वालों ने कहा ऑर्गेनाइजर में और इसमें लेख लिखा पांजन्ने में कि ये संविधान हमारे अनुरूप नहीं है। मनुस्मृति लागू करना चाहते थे, तो कबूतर की रखवाली अगर बिल्ली को देंगे तो उसे उम्मीद करेंगे कि कबूतर जीवित रहे, तो होगा नहीं। जो संविधान के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, पुतले फूंक रहे थे, रामलीला ग्राउंड में सभा हो रही थी, वो आज सत्ता में है, इसलिए संविधान के पन्ने पन्ने वो फाड़ रहे। संविधान खत्म करने की कभी घोषणा नहीं होगी, लेकिन संवैधानिक प्रावधान खत्म कर दिए जाएंगे, संविधान अपने आप खत्म हो गया। डॉक्टर अंबेडकर का 1955 में पुणे बार एसोसिएशन में एक लेक्चर, एक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल चलाने के लिए क्या क्या जरूरत, सात शर्तें उन्होंने बताई थी, आज नहीं बोलूंगा। अनिल जी को मैंने कहा भी कि आप बुलवाइएगा तो फीस लूंगा लेक्चर का। सात शर्तें उन्होंने रखी थी, उस सातों शर्तों के खिलाफ ये मोदी सरकार, आरएसएस, बीजेपी, जिन्ना से इनको समस्या नहीं थी, तुम पाकिस्तान ले लो हम भारत ले लेंगे। समस्या थी अंबेडकर से, क्योंकि अंबेडकर इक्वालिटी की बात कर रहे थे, स्वतंत्रता लिबर्टी की बात कर रहे थे, और पूरी आइडिया वो आ रही थी बुद्धा से, आ रही थी संत रविदास से, आ रही थी कबीर से, आ रही थी तुकाराम से, आ रही थी। तो इनको समस्या इक्वालिटी से थी, इसलिए असली निशाने पर मुसलमान नहीं है, असली निशाने पर इस देश का दलित और आदिवासी है। अगर जिस दिन मनुस्मृति लागू हो गया तो आप लोग तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर जाएंगे, ये दलित लोग कहां जाएंगे? जो पूरे 40-50 साल में जो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है, नौकरी की वजह से, अफर्मेटिव एक्शन की वजह से हुआ है, जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर में जितने भी मतभेद रहे हो, लेकिन दोनों एक बात को लेकर सहमत थे कि हमें एक मॉडर्न नेशन, एक इंडियन रिपब्लिक बनाना है। और हिंदूवाद, हिंदू राष्ट्रवादियों ने इंडियन रिपब्लिक और संविधान पर हमला बोल दिया है। शुक्रिया, थैंक यू।